छेद कर अपने संजय दत्त ने बढ़िया कर रखा है एग्जॉस्ट वगैरह लगा के। इसमें क्या है, हॉर्न देने की जरूरत ही नहीं है, एक बार थ्रॉटल मार दो पब्लिक अपने आप साइड दे देगी। देखो बाकी थोड़ा सा खुला रोड आए तो मैं इसको और भगा कर देखूंगा, देखते हैं कितना दम है इसके अंदर। बाकी यार मजा तो आ रहा छपरियों की तरह चलने में, सब देखते हैं। देखो ये भाई भी खड़ा हुआ है यहाँ पर देख रहा है, लगवा दूंगा एक एग्जॉस्ट अपनी रानी में भी, नहीं अपनी किस्मत में भी, रानी यार आ रही है यार। हेलो गाइस वेलकम बैक, तो कैसे हो भाई लोग, आई होप कि सारे भाई बढ़िया होंगे। आज है अपने पास R15 वर्जन 3, इस बाइक को आप पहचान रहे होंगे मुफा राइडर, ये बाइक है मुफा राइडर की। सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन तो है इस बाइक का, इसके ऊपर कलर इन्होंने कर रखा है, ये कोई रैप नहीं है गाइस, ये है कलर। बबल वाइजर लगा हुआ है, विंगलेट लगी हुई है, व्हील कवर लगे हुए हैं, और ये हैजार्ड लगा रखे हैं यहाँ पर लाइट, और इंडिकेटर चेंज करा रखे हैं। इसके अंदर लगा हुआ एक्रोपोविक का फुल सिस्टम। पीछे की अगर बात करें तो पीछे से भाई ने टेल ताइड़ी वगैरह सब हटा रखी है, और ये बाइक स्टैंड बाइक है। कई बार देखो इस तरह से होती है स्टैंड बाइक, पूरी बाइक को हिला रखा है इसके अंदर, टेल लाइट के अंदर, इसकी के अंदर वो भी है शायद पानी भरा हुआ, भी धुलवा के लेकर आया इसको। और लेफ्ट प्रोफाइल इस बाइक की कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो। तो फिर भाई लोग आज करेंगे इस बाइक को राइड, एक बार मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ कैसी है। कुछ इस तरह की इस बाइक की साउंड है। सो गाइस अब चलते हैं इस बाइक को राइड करते हैं और इसका फील लेते हैं, चलें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो नंबर में छेद कर, बाकी थोड़ा सा खुला रोड आए तो मैं इसको और भगा कर देखूंगा, देखते हैं कितना दम है इसके अंदर। दम तो इसके अंदर काफी होगा यार, अच्छे से खुली हुई है बाइक। संजय दत्त ने बढ़िया कर रखा है एग्जॉस्ट वगैरह लगा के। इसमें क्या है, हॉर्न देने की जरूरत ही नहीं है, एक बार थ्रॉटल मार दो पब्लिक अपने आप साइड दे देगी। देखो बाकी इसको खींचने के लिए मेरे को जगह नहीं मिल रही है भाई, खींच में इसको आज पाऊंगा नहीं, बाकी इसका फील लेंगे पूरा। ये देखे ब्रेकर पैसे ही जाएगी, ये जैसे मुफा उदाता है इसको, ये कोई दरगाह शरीफ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या है हॉर्न दबाने की आदत है तो इस पे भी मुझे बार बार किसी को हॉर्न लगाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन ये गाइस बहुत लाउड है भाई, ये देखें बहुत ज्यादा लाउड है यार। बाकी कुछ भी बोलो यार, एग्जॉस्ट वाली बाइक को चलाने में मजा तो आता है, बाकी ये जो आता है कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद जो है मैं तो बोर होने लगता हूँ इससे। इधर से जो है अपने को लेफ्ट चलना भाई, जैसमन लेक के लिए, मेरा ना बलाना का रोड आ गया ना। बाकी यार मजा तो आ रहा छपरियों की तरह चलने में, सब देखते हैं। देखो ये भाई भी खड़ा हुआ है यहाँ पर देख रहा है, लगवा दूंगा एक एग्जॉस्ट अपनी रानी में भी, नहीं अपनी किस्मत में भी, रानी यार आ रही है यार। सामने जो है जैसमन झील, इस जगह को बोलते हैं जैसमन, इस पर अपन कई बार आ चुके हैं यार, नॉर्मल भी लोग भी तो बना रखा है यहाँ का अपन ने। कहा
कहां पर हवाबाजी कर रहे हैं वो लोग। जो है सारी छतरियां बनी हुई हैं गाइस, बाइक की आपको राइड कैसी लगी आप मुझे कमेंट डाउन कर बता सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपन मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए राइड सेफ एंड लाइफ सेफ। बाइक जबरदस्त लग रही है वैसे ही।